ठीक है आप देखते हुए कार एक तरफ से आ रही है आपको क्या कर रही वेट करना चाहिए ये नहीं कि जब कार आ रही है आप एकदम जल्दी से रोड क्रॉस कर रहे हो उससे क्या होता है आपको क्या हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है ठीक है नाउ सेफ्टी एट होम नाउ आई विल टेल यू वॉट वट सेफ्टी एट होम यू शुड डू डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर सॉकेट एंड स्विचेस डो नॉट टच शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नीडल्स नाइफ सीजर ब्लेड्स दीज ऑब्जेक्ट मे कॉज एंड इंजरी आपको कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं वायर से उनको टच नहीं करना चाहिए और जो आपके शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे नाइफ़ हो गई नीडल हो गई आपको इन चीज़ों को भी क्या करना चाहिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या हो सकती है इंजरी हो सकती है नेवर लीव योर टॉयज़ और बुक्स ऑन द फ्लोर सम वन में ट्रिप एंड फॉल डो नॉट प्ले विद मैचेज और कैंडल एज दे कॉज बर्न्स ठीक है आपको कभी अपनी बुक्स और टॉयज फ्लोर पे ऐसे ही फैला कर नहीं रखना चाहिए हो सकता है कोई दूसरा इंसान चल चमका और वो क्या हो जाए स्लिप हो जाए ठीक है और आपको मेट वगैरह या कैंडल से भी खेलना नहीं चाहिए इट मे कॉज फायर उससे क्या हो सकता है फायर हो सकते हो और आप बर्न भी हो सकते हो तो जल भी सकते हो डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स नेवर ट्राई टू टेस्ट एनी मेडिशन ठीक है आप आपको कभी भी स्ट्रेंजर्स वगैरह के लिए डोर ओपन नहीं करनी चाहिए पहले आपको देखना चाहिए कि डोर पे हैग ऑन उसके बाद ही ओपन करनी चाहिए

Never play or run on the road or footpath. Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk on the safe side of the road. आपको कभी भी रोड पे या रोड के पास खेलना नहीं चाहिए. Secondly, आपको फुटपाथ पे move करना चाहिए. और अगर फुटपाथ नहीं है, तो रोड साइड पे move करना चाहिए. Next is the path across the road has black and white strip. It's called zebra crossing. Always cross the road at the zebra crossing area. सब आपने देखा होगा नोट्स ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस बनी होती है क्रॉसिंग ठीक है आपको जब सड़क पार कर रहे होते हैं तो आपको जैबरा क्रॉसिंग से ही करनी चाहिए वॉक ऑन ऑन द द द लेफ्ट साइड ऑफ रोड रोड वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड बी सेफ ठीक है आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड साइड चलना चाहिए और क्या फॉलो करने चाहिए ट्रैफिक रूल्स ठीक है आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन अ स्कूल नाउ I will tell you about some safety rules which you should follow in the school. Firstly, never run with your school bag. You may fall down and get hurt. Do not run on the stairs or in the corridors. You may hurt yourself. <laughs> when you, school back, you not run with you mm -hmm. your and you got injured. So, stairs not you you Do not push or pull other off the swing or on the stairs. Wait for a turn. जब आप स्कूल में स्विंग्स वगैरह पे या स्टेयर्स पे चल रहे थे आप किसी को पुश नहीं करना चाहिए डो नॉट क्लाइंब और जम्प ऑन द चेयर और डेस्क इन साइड द क्लास रूम डो नॉट गेट और गेट ऑफ आ मूविंग बस ठीक है आपको कभी भी क्लाइंब और या कूदना नहीं चाहिए स्कूल से चेयर्स पे या डेस्क टॉप पे ठीक है बस में भी अपनी टर्न के लिए वेट करना चाहिए यानी कि आप चलती बस में से कूद जाओ यू शूड वेट फॉर योर टर्न होल्ड द रेलिंग्स वाइन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स जब भी आप स्टेयर्स पे चल रहे हैं तो आपको रेलिंग्स पकड़ के कूदना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन व्हीकल नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सेफ्टी विच यू शुड फॉलो वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल गेट इन और ऑफ अ व्हीकल ओनली आफ्टर इट हैज स्टॉप नेवर ओपन द डोर एट द मूविंग व्हीकल नेवर आउट योर आर्म्स और हेड ऑफ द मूविंग व्हीकल ठीक है जब वो रुक जाए आपको तभी ही उतरना चाहिए कभी भी अगर व्हीकल कोई भी चल रहा है तो आपको अपने हैंड्स या हेड उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए और कभी भी आपको जो डोर होती है व्हीकल की वो चलते हुए व्हीकल के ऊपर नहीं करनी चाहिए डू नॉट टच और प्ले विद द स्टीयरिंग व्हील और अदर पार्ट इवन द व्हीकल इज नॉट मूविंग डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल जो स्टेयरिंग होता है और व्हील होता है उसको टच नहीं करना चाहिए इवन द व्हीकल इज नॉट मूविंग ठीक है और जो ड्राइवर होता है जो कार चला रहा होता है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वाइल ही इज ड्राइ बोर्ड द स्कूल बस इन क्यू नेवर पुश एनी वन टू ब्रेकअ क्यू ठीक है आप जब आप बस में चढ़ रहे होते हैं बोर्डिंग कर रहे होते हैं बस में तो आपको ना तो किसी को धक्का देना चाहिए और ना ही चलते हुए उसमें ना तो ही कूदना चाहिए नेक्स्ट इज वॉट डू ट्रैफिक लाइट से आप ट्रैफिक लाइट क्या बताती है आपने थ्री लाइट देखी होंगी ट्रैफिक लाइट में वन इज रेड येलो एंड ग्रीन रेड से स्टॉप येलो से

Fastest play at a safe place. Always play in a playground or park and play a safe game. Never push your friends or fight with them. Always follow the rules of the game. आपको सेफ प्लेस पे खेलना चाहिए या तो पार्क में या प्ले में खेलते समय जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो किसी को पुश नहीं करना चाहिए धक्का वगैरह नहीं देना चाहिए ठीक है आपको जो रूल्स होते हैं गेम्स के वो फॉलो करने चाहिए नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी वाइल्ड स्विमिंग Now we'll talk about the safety rules while swimming. First is do not swim alone. Use a swimming tube or floaters while swimming. Never push or pull of other person in the water. अकेले नहीं आपको swim करना चाहिए और किसका use करना चाहिए swimming tube का use करना चाहिए while swimming. ठीक है और आपको किसी को push और pull नहीं करना चाहिए when they are swimming. Do not run around the swimming pool. Do not go to deep side of the वाटर स्विमिंग पूल के जो आस पास ये जगह तो वहाँ पर रन नहीं करना चाहिए और ज़्यादा ठीक इनसाइड द वाटर आपको नहीं जाना चाहिए नाउ सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स अब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं जैसे दिवाली है तो आपको आराम से क्रैकर्स वगैरह फोड़ने चाहिए ठीक है हो सकता है कि आप उससे बर्न बर्न हो जाए ऐसी होली की बात करते हैं होली में आपको जो आप जैसे सब बच्चे कलर्स वगैरह लगाते हैं तो आपको कलर्स वगैरह में ठीक से रहना चाहिए किसी की आइज वगैरह में जिससे ना चला जाए ऑन दिवाली ऑलवेज लाइट कैंडल्स एंड अप पर्सन इज अराउंड ऑलवेज प्ले होली विथ सेफ हर्बल कलर्स कलर यू वार्ट इन लार्ज क्राउड एंड द फेयर अ प्लेस ऑफ वर्शिप रिमेंबर टू होल्ड योर पेरेंट्स हैंड्स डू नॉट गो एनी वेयर ऑन योर ओन अगर आप फेयर्स वगैरह में जा रहे हैं जिन्हें हम मेलास कहते हैं तो आपको अकेले नहीं रोम करना चाहिए था उधर जो आपके पेरेंट्स हैं उनके हैंड्स पकड़ के आपको जाना चाहिए जिससे आप क्या ना हो जाओ गायब ना हो जाओ ठीक है और जो होली है होली वाले फेस्टिवल्स पे जो कलर्स है वो हर्बल कलर्स का यूज करना चाहिए नेक्स्ट इज फर्स्ट एड इफ समन गेट्स हर्ट टेल योर एल्डर्स और टीचर्स दे विल गिव देम फर्स्ट एड इट इज द हेल्प गिवन इमिडिएटली टू इंजर्ड पर्सन इफ इंजरी इज सीरियस देन विल कॉल इन डॉक्टर और टेक हिम और हर हर्ट क्लिनिक ठीक है फर्स्ट एड क्या होता है अगर किसी को चोट वगैरह लग गई है ठीक है आप क्या करें आप फर्स्ट एड अगर उसको छोटी मोटी चोट लगे तो आप खुद ही फर्स्ट एड दे दें और अगर कुछ ज्यादा बड़ी चोट लगे तो आप क्या कॉल करें डॉक्टर को या उसको डॉक्टर के पास ले जाए नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन आर होम द फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन थिंग्स लाइक कॉटन बैंडेड आयोडिन बर्नल एडेसिव टेप एंड बैंडेजेस हमारे सबके घर में क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए मेडिसिन होनी चाहिए कॉटन होनी चाहिए बैंडेज होनी चाहिए एडासिव टेप होनी चाहिए आयोडिन होना चाहिए ठीक है जिससे किसी को घर में चोट लग जाए या कुछ बर्न वगैरह हो जाए तो हम जल्दी से क्या करें उसका यूज़ करके इंजरी को लुक आफ्टर कर सकें ठीक है दैट्स ऑल फॉर द टुडे थैंक यू